रहम दिखा करके रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांग करके रिश्ते को निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिससे शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें टकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं मोहित कमल श्रीमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की प्रेम जीवन के बारे में, प्रेम और रिश्तों के बारे में। जब किसी से प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, कुछ रोमांच बनाए रखना होगा तो कुछ इमोशंस भी शेयर करने होंगे। मैं यहां वैलेंटाइन डे को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर जीवन में सच्चा प्रेम ढूंढने की एक मशक्कत को स्वीकार करता हूं। चाहे लड़का हो या लड़की, अपने जीवन में प्रेम सभी को चाहिए, किसी को अपना कहने का एहसास सभी को चाहिए। और इसी वजह से आज बात करते हैं कैसे अपने प्रेम को आप पा सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लेना कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, यह आपका काम बहुत ही आसान बना सकता है। ये राशि वाले बच्चों की तरह चंचल होते हैं, आवेगी होते हैं, सहज तिथियों को लघु रोमांच या तो फिर कुछ भी जो इन्हें आश्चर्यचकित करे, सरप्राइज करे, उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस कराए बहुत पसंद आता है। यहां पर कॉम्पिटिटिव नेचर की अगर बात करें तो वो भी इनमें बहुत है। उनसे उनके लक्ष्य को, उनके एस्पिरेशंस के बारे में अगर आप बात करेंगे, उनको पहचानेंगे और उसके मुताबिक उनके लिए कुछ करेंगे तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। मेष राशि के जो लोग होते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को, या फिर यहां पर हम जीवन साथी भी कहेंगे क्योंकि प्रेम तो जीवन साथी के साथ में भी है, तो उनको कौन से रंग का गुलाब देना चाहिए? क्योंकि ये राशि मंगल की राशि मानी जाती है, इसलिए यहां पर वैलेंटाइन डे के दिन पार्टनर को खुश करना है, प्यार पाना है, तो लाल रंग का गुलाब जरूर दीजिएगा। मेष राशि का स्वामी मंगल और राशि तत्व अग्नि है, जिसके प्रभाव से ये लोग काफी प्रभावी, एनर्जेटिक और इंस्पिरेशनल होते हैं। इस राशि के कुछ लोग लीडर के तौर पे भी सामने आते हैं। आपके पार्टनर की अगर राशि मेष है तो इस बार वैलेंटाइन डे पर आप उन्हें कोई एनर्जेटिक गिफ्ट दें, जैसे कि ट्रैकिंग का कोई सामान हो गया, गेम्स हो गए, वो प्लान कीजिए। कोई एक आउटडोर एक्सरसाइज जो होती है, आउटडोर एक्टिविटी होती है, वो उनके लिए प्लान कीजिए। उनकी पसंद का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, वो उन्हें गिफ्ट दीजिए। जैसे आजकल के समय में फिटनेस बैंड्स हो गए, आई वॉचेस हो गई, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा चलन में है, तो ऐसे ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ गिफ्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पार्टनर को अगर कुकिंग करना पसंद है तो आउटडोर बारबेक्यूज आते हैं, ग्रिलर्स आते हैं, वो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर पार्टनर को फोन बहुत पसंद है या तो फिर बहुत पुराना फोन है और टूट चुका है, बस जैसे तैसे करके चलाया जा रहा है, तो बेहतरीन फोन खरीद करके इनको गिफ्ट करना यह भी बहुत अच्छा रहेगा। आप उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं और कलरफुल नेकलेसेस हो गए, रिस्ट वॉचेस हो गई, सोबर कपड़े, यहां पर चमकीले कपड़े नहीं बल्कि सोबर कपड़े इनको ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो गिफ्ट कर सकते हैं। इयररिंग्स हो गए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गई, ये सब इन्हें गिफ्ट कीजिएगा। मेष राशि वालों को अपने साथी के साथ में इस अवसर का लाभ अगर उठाना है, आनंद प्राप्त करना है, तो इस मौके का भरपूर मजा उठाइएगा। अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ही रखिएगा। ये अवसर जो आपको मिल रहा है, ये सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, पर प्यार की इस घड़ी में आप दोनों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी सेहत के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, खान पान क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई लापरवाही मत दिखाइएगा। आप अपने साथी को भरपूर प्यार दीजिए और ध्यान रखें कि किसी भी तरह उनके इमोशंस को किसी चोट ना लगे। ऐसे में आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस रिश्ते को, पवित्रता जो है इस रिश्ते की, वो जरूर ध्यान में रखें। आप सच में किसी के साथ में अपना जीवन देखते हैं तो ये प्रेम है, और सिर्फ जिस्मानी रिश्तों को प्रेम का नाम देकर के इसको कलंकित मत कीजिए। ध्यान रखें, किसी के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करना बहुत बड़ा पाप है। हमेशा की तरह यही आशा करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रेम अमर रहे। जो भी आप इच्छाएं लेकर के आज के दिन आगे बढ़ने वाले हैं, वो सभी इच्छाएं पूरी हो। आपका घर, आपके परिवार वाले, घर में बड़े बुजुर्ग, सब आपको प्रेम दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।